जॉब्स अवेलेबल हैं। ये जो आजकल लोग बोल रहे हैं ना कि जॉब्स नहीं मिल रही, और भी मैंने मतलब कई जगह यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, और कई सारे बच्चे भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, और मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, जॉब्स मिल ही जाती हैं। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था, और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मतलब कमेंट सेक्शन में पूछा इस टॉपिक के बारे में। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा पूरा, ठीक है। और आज की वीडियो का टॉपिक होगा गाइस जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब यहाँ पर जॉब का क्या सीन है, किस हिसाब से जॉब्स मिल रही हैं, और मतलब कैसा सीन चल रहा है जॉब का अभी। क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या आप मतलब किसी भी तरीके से यहाँ आते हो, एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए आते हो, बाकी आप किसी भी तरीके से आओगे तो यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होंगे हाई, तो आपको उन्हें रिकवर करने के लिए कुछ जॉब वगैरह तो चाहिए ही, ठीक है। तो आज मैं आपको वही जॉब कंडीशन यहाँ पे कैसी है और किस हिसाब से जॉब्स है, और मतलब पूरा क्या सीन चल रहा है यहाँ का अभी, मतलब आजकल थोड़ा जॉब्स का क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो ये मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस देखो, बाहर हो रही थी बारिश, बाहर हो रही है बारिश, तो इसीलिए मैं आज अंदर शूट कर रहा हूँ, मतलब अंदर बना रहा हूँ वीडियो। बाहर पता नहीं आज बारिश क्यों हो रही है, मौसम सुबह से ही थोड़ा वैसा हो रखा है, थोड़ा विंटर स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो आई थिंक मौसम का चेंज हो रहा है इसीलिए बारिश हो रही है। बट कल भी बारिश हो रही थी, आज भी रेनिंग, इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो इसीलिए मैं अंदर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो हाँ तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा जॉब्स, यहाँ पे जॉब्स की क्या सिचुएशन है इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस देखो, जॉब्स का यहाँ पे ये सीन है कि मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं। ये जो आजकल लोग बोल रहे हैं ना कि जॉब्स नहीं मिल रही, और भी मैंने मतलब कई जगह यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, और कई सारे बच्चे भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, और मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की ना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी तो जो मतलब जो नए आए हैं वो डर जाते हैं कि हाँ जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गाइस यहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ आपको, काफ़ी जॉब्स हैं, आपको ढूंढना आना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता ना कि आते ही आपको, आप आए और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे कोई जॉब लेके बैठा नहीं होता, आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, जाके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में ढूंढोगे तो भी मिल सकती है, बाकी बाहर का एक्सपीरियंस ना उतना यहाँ काउंट नहीं होता, ये लोकल एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जॉब्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हुआ था कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि ना मतलब इन्होंने अनलिमिटेड आवर्स कर दिए थे, तो उससे क्या हो गया था कि ना अब एक बंदा कहीं जॉब कर रहा है वो 5-5 दिन काम करने लग गया था, मतलब पूरे वीक। कई लोग तो हैं पढ़ाई वढ़ाई करते ही नहीं है, पढ़ने आते हैं, पढ़ने पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, जॉब पैसे ही कमाने लग जाते हैं। भाई मैं तो ऐसा रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा, मेन जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम करो, ठीक है, पैसा तो कमा ही लोगे यार, मतलब तरीके से चलो ना, ये थोड़ी कि आए हो पढ़ने और पैसे के पीछे ही लग गए एकदम। फिर उन लोगों ने क्या करा, कई बच्चे ऐसे 5-5 दिन करने लग गए काम। अब उस चक्कर में क्या होता था, अब एक ही बंदा अगर 5 दिन काम कर रहा है तो वो दूसरा बंदा क्यों, कहाँ हायर करेंगे, शिफ्टें भी तो होनी चाहिए ना बची हुई जो दूसरों को देंगे। तो इस वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट को पता चल गया मतलब, और फिर इसके बाद ये हो गया कि आपका ये जो जनवरी में अभी अभी जो इंटेक हुआ जनवरी 2023 में, फेब 2023 इंटेक, इसमें गाइस सारे रिकॉर्ड टूट गए, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, इस वजह से इन्होंने क्या करा, रूल चेंज कर दिए। फ्रॉम 1 जुलाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ओनली वर्क 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, ठीक है, ये रूल भी आ गया। तो अब इससे क्या है कि आने वाले टाइम में ना स्टूडेंट्स लिमिटेड टाइम ही काम कर सकते हैं, मतलब एक बंदा अराउंड 24 आवर्स पर वीक काम कर सकता है, तो रिमेनिंग टाइम के लिए, रिमेनिंग शिफ्ट्स के लिए इन्हें दूसरा नया मतलब दूसरे नए बंदे की जरूरत होगी, नए एम्प्लॉय की जरूरत होगी, तो आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी बिकॉज इन्हें नए बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो इस रूल का ये एडवांटेज भी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जॉब्स का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल है, अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो तो आपको मेहनत लगेगी। मैं भी जब गाइस आया था ना, मुझे करीब करीब 3 वीक्स लग गए थे,
15-20 दिन भी मेरे को भी जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी। फिर अप्लाई करो, सीक पे जाओ, इंडीड पे जाओ, और आपका लिंक्डइन पे जाओ, ये जाके पूछो, मतलब जहाँ पे आपको जॉब चाहिए वैसे ऑन जाके अप्लाई करो, दोस्तों से बात करो जो जान पहचान के हैं, लोगों से बात करो, ऐसे करके जॉब मिलती है। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ सर्च करना चाहिए जॉब, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, बाकी इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, जॉब्स मिल ही जाती हैं। ठीक है, थोड़ा लेट होता है, टाइम लगेगा, बट मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ ये जो लोग बोल रहे हैं ना जॉब्स नहीं है, दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। एडिलेड का मैं प्रॉपर आपको बताऊं, डिस्पाइट एडिलेड इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ ऑल दोज बिग सिटी, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, यहाँ तक कि पर्थ से भी छोटी सिटी है, स्टिल जॉब बहुत है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पे रेट वेरी करता है। कोई है, किसी को $35 पर आवर मिल रहा होगा, किसी को 20 मिल रहा होगा, किसी को 25 मिल रहा होगा, वो वेरी करता है आपका। ठीक है, बाकी जॉब्स यू कैन फाइंड इट इजीली। और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आप ऊबर वगैरह कर सकते हो, मतलब आपको तो पता ही है यहाँ पे ऊबर का काफी अच्छा सिस्टम है, ऊबर है और भी डिलीवरी जॉब्स है, जिससे कि आप अपना बेसिक मतलब जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो निकाल सको, क्योंकि इंडियन करेंसी की तो यहाँ वैल्यू ज़्यादा रहती नहीं है। फिर आप वहां से मंगवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है बाकी और जॉब्स की। बाकी अगर जॉब्स के बारे में और बात करें तो आने वाला जो टाइम है वहां पे और जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, एकोमोडेशन का थोड़ा इशू है, ये मैं मानता हूँ, एकोमोडेशन मिलना इज डिफिकल्ट, वो भी मिल जाता है थोड़ा सर्च करोगे तो, बाकी जॉब्स आपको इजीली मिल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आराम से एडमिशन लो और यहाँ पे पढ़ने आओ और जॉब मिल जाएगी, आराम से मेहनत करोगे, अच्छा मतलब सही पैसा कमा लोगे, फीस वगैरह भी आराम से हो जाएगी, तो सब हो जाता है, इतना कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी गाइज ऑस्ट्रेलिया में आपको एक चीज़ बताऊं, आप इसे जो कह लो, इंडिया में हम अपना मतलब जान पहचान कहते हैं, यहाँ पे भी वही जान पहचान ही है, इसको ये लोग रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब इतना ज़्यादा मैटर करता है ना, अगर कहीं जॉब की वैकेंसी है और आप किसी को जानते हो, आपके वहाँ रेफरेंस है, तो आपको वो जॉब इजीली मिल जाएगी, मतलब रेफरेंस यहाँ इतना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर आपके पास रेफरेंस है तो यू कैन फाइंड इट जॉब क्वाइट इजीली। बाकी सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ जॉब लेने का, अगर आप कैजुअल जॉब ढूंढ रहे हो, मतलब जॉब 3 तरीके की होती है, कैजुअल, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। तो फुल टाइम के लिए वी आर नॉट एलिजिबल, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कैजुअल कर सकते हैं। कैजुअल में आपका पे थोड़ा हाई होता है बट कोई लीव वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, तो कैजुअल जॉब की अगर बात करें आपको, तो सीधा जाओ और जाके आप पूछो, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप मॉल चले जाओ, स्टोर्स में बात करो सीधा जाके, वो आपको जॉब दे देंगे, उनके पास वैकेंसी होती है, मतलब जॉब्स आपको मिल जाएगी। बाकी आपको ड्राइविंग आती है तो आपको और भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इंडिया से आ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो तो ड्राइविंग सीख के आओ, बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको, मतलब एज मिलेगा बाकियों से। ठीक है, आप कभी भी खाली नहीं बैठे हुए, तो जॉब्स का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आओ यहाँ पे, ऑनलाइन अप्लाई करो, लोगों से बात करो, नेटवर्किंग करो, जान पहचान बनाओ, अपने आप ही कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं लगवा ही देगा। ठीक है, बाकी मतलब मेरे को तो एडिलेड का ही पता है ढंग से मैं बताऊँ तो, बाकी मेरे मेलबर्न सिडनी में फ्रेंड रहते हैं, उनसे भी बात होती है, तो मेलबर्न का मुझे पता है कि वहाँ पे भी जॉब का कोई इशू नहीं है, मतलब मेलबर्न में भी वो कहते हैं जॉब इजीली मिल जाता है। मेलबर्न का थोड़ा पे स्केल हाई है एज़ कम्पेयर टू एडिलेड, यहाँ पे थोड़ा पे स्केल लो है, मतलब यहाँ का जो पे स्केल है वो एडिलेड मेलबर्न से कम है, ऑब्वियसली क्योंकि वो बिग सिटी है और वहाँ पर फिर एक्सपेंसिस भी ज़्यादा है, यहाँ एक्सपेंसिस भी उसके मुकाबले कम है, थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में यहाँ बेनिफिट है रहने में, लॉन्ग टर्म में वहाँ उतना बेनिफिट नहीं है, तो एवरी थिंग हैज एडवांटेज डिसएडवांटेज, बट जॉब्स के परस्पेक्टिव से बताऊँ तो लॉट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी कितने मेरे फ्रेंड आए हैं अभी, मतलब जो भी कुछ टाइम पहले आए हैं और उनको जॉब्स मिल गई है इजीली, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ। अब पे रेट तो थोड़ा कम ज़्यादा मिलेगा ना, एक बार लग जाओ फिर और पता करते रहो और ढूंढते रहो, दूसरी जॉब ले लो, चेंज कर लो, दूसरे पे स्केल मतलब दूसरी जॉब कर लो, कुछ ना हो तो सबसे बढ़िया यहाँ आओ, बाईसाइकिल ले लो एक, ठीक है, और ऊबर कर लो। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप अपना बेसिक नीड्स का पैसा तो निकाल सकते हो ना, जो आपका डेली एक्सपेंसेस है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। और इतना मतलब सोचने का नहीं है, अगर आप ज़्यादा ही मतलब सोचोगे ना तो चीज़ें मुश्किल लगेंगी, प्रॉब्लम होती है, वैसा थोड़ी होगा आप आओगे आपके लिए कोई जॉब रख के बैठा होगा कि आओ कर लो जॉब, ऐसा नहीं होता।
जॉब आपको मिल जाएंगी इजीली, ठीक है, जॉब की कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट्स नॉट लाइक दैट कि मिल ही नहीं रही, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो देखनी है आप कमेंट कर दो, मैं आपको और दिखाऊंगा। अगर आपको और जानना है ढंग से कि मतलब जॉब सिचुएशन के बारे में, अगर मैं आपको वेबसाइट वगैरह जानना चाहते हो तो मैं आपको ढंग से एक वीडियो में पूरी वेबसाइट बता दूंगा प्रॉपर। बाकी सीक जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा चलता है जॉब के लिए, seek.com.au ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा चलती है ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के लिए, मोस्ट ऑफ द जॉब्स यहाँ अवेलेबल होती है। बाकी ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर आप जाके बात करते हो इट इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन, ठीक है। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से आओ सब मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, गलत बात है भाई, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ताकि जो बच्चे और प्लान कर रहे हैं या जो हैं यहाँ पे वो भी इस वीडियो को मतलब देखें और उनके लिए भी हेल्पफुल कंटेंट मिले, तो वो भी आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।